हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे कॉस्ट में मैंने सब तो तुम लोग को पढ़ा दिया, बच्चे लोग है ना, सब अपलोड करके रख दिया हूँ। तो अभी मैं बोला वेटेड भी करा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे लोग हैं जिसको वेटेड नहीं समझते। फीफो तो आ गया, राइट। तो वेटेड में क्या करना है, जैसे फीफो तो हमने सीख लिया, तो वेटेड एवरेज में क्या करता है मेन है ना, तीन ही चीज़ का खेले भाई। वेटेड में क्या याद रखने का है, परचेस, सेल और बैलेंस। तो परचेस में क्या करना है, प्लस करना है, और सेल में क्या करना है, माइनस करना है। और इसमें रेट ढूंढना पड़ेगा, तो रेट के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी एक दो एंट्री पास करेंगे, आइडिया आ जाएगा। तो पहले लॉजिक तो सेम ही है। तो क्या किया उन्होंने, एक तारीख दिया परचेस, एडजस्टमेंट कुछ नहीं बोला है, अगस्त बोला है, तो इधर लिख देंगे अगस्त 2017। तो 17 तारीख को क्या किया, एक तारीख 1 अगस्त को उन्होंने परचेस किया। कितना यूनिट्स खरीदा भाई, 300। क्या रेट है, 3 रुपया। तो परचेस किया ना, तो इधर डैश मार देने का। तो उन्होंने 300 खरीदा 3 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा पूरा अपना 900। फिर ऐसे लाइन मार देंगे, है ना। तो यही उठा कि यहाँ पटक देने का, इधर लिखेंगे 300। और ये रेट मत लिखो, डायरेक्ट अमाउंट लिखो। क्या लिखो, डायरेक्ट अमाउंट लिखो, रेट मत लिखो, डायरेक्ट क्या लिखो, अमाउंट। तो जो खरीदा था वो बच गया, तो ये इजी है। फिर 4 तारीख को फिर से उन्होंने 600 का माल खरीदा 4 के हिसाब से। तो 4 तारीख को उन्होंने क्या किया, परचेस किया। कितनी क्वांटिटी खरीदा भाई, 600 एट द रेट ऑफ 4। दे हैव परचेस 600 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 4, तो डैट इज़ 2400, है ना। अब हम लोग वेटेड एवरेज करें। वेटेड मतलब होता है जॉइंट कर देने का, जॉइंट मतलब जोड़ देने का। नहीं क्या, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे, 300 खरीदा, अभी 600 खरीदा, तो एवरेज हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें भी एवरेज करने का। ये कितना है भाई, 300, अरे कितना है, 600। 300 और 600 कितना हो जाएगा, 900। तो परचेस में आप क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे। अभी दिख रहा है, रेट को छोड़ दो, अमाउंट कितना है, 2400। ये अमाउंट कितना है, 900। तो 2400 को 900 जोड़ दो, 2400। इसमें अलग अलग नहीं लिखना, फीफो में क्या करते, अलग अलग लिख रहे थे ना। इसमें क्या करना, अपनों को जोड़ देने का, कंबाइन करना है। 24 और 9 कितना हो जाएगा, 6 और 3, 3300। तो अभी मेन खेल सेल में आएगा, मेन खेल सेल में आएगा। सेल में क्या दिया भाई, 6 तारीख को इशू किया। इशू का मतलब होता है सेल, बेचना। इशू मतलब बेचना। कितना माल बेचा, 500। अभी तक डायरेक्ट 500 लिख देने का, डायरेक्ट क्या लिख देने का, 500 लिख देने का। रेट नहीं लिखने का, रेट नहीं लिखने का, डायरेक्ट क्या लिख दिया, 500 लिख दिया ना। तो आपको क्या करना है, मालूम है क्या, रेट के लिए ना डिवाइड करना है, ये अमाउंट को ये यूनिट से डिवाइड करना है, तो रेट मिलेगा। ये लफड़ा है, तो रेट के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। कितना अमाउंट है, 3300। 3300 डिवाइड किससे करेंगे, 900 से। तो रेट देखो पॉइंट में है, है ना। तो उसको 3.66 है, तो 3.67 लिखेंगे, 3.67 लिख दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये पूरा नंबर जिंदा रहेगा। मतलब इसको ये कैसे आया, इसको इससे डिवाइड करके आया, है ना भाई, वो यहाँ लिखा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 500 से। तो अपने को क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट है 1833। तो ये पॉइंट के बाद क्या नंबर है, 3, मतलब 5 से छोटा है, तो ये सेम रहेगा, 1833। क्या रहेगा, 1833। तो आपने क्या किया, 900 में से कितना माल बेचा, 500। 900 में से कितना बेचा, 500। तो बचेगा कितना दोस्त, 400। डाउट रहेगा पूछो ऐसा, 900 में से कितना बेचा अपने, 500, तो बचा 400। तो ये अमाउंट से अब ये अमाउंट भी माइनस करेंगे, है ना। तो 3300 में से क्या माइनस करेंगे, 1833। तो कितना है, 1467। 1467 तो ऐसा करना, मतलब एक ही लाइन में आंसर आएगा, अलग अलग नहीं लिखना है। तो एक काम करते हैं ना, फिर से मैं परचेस करता हूँ और फिर से मैं इश्यू करता हूँ, तो इश्यू में भी अब तुम मेरे से फिर से डाउट पूछेंगे। अब क्या तारीख आएगा दोस्त, 10 तारीख आएगा। तो 10 तारीख को उन्होंने क्या किया, परचेस किया। कितना खरीदा, 4 के हिसाब से। तो इधर डैश मार दो, 700 खरीदा 4 के हिसाब से, तो 2800 आ जाएगा, ठीक है। तो परचेस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 400 और 700 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1100। अब इसको और ये क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, रेट को नहीं देखने का, अमाउंट, अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड। इसको इसको ऐड कर देंगे, 2800 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 4267। तो परचेस तो समझ गया, जोड़ देने का। अब आपको जवाब देना है 15 तारीख का। 15 को क्या क्या इशू, इशू बोलो तो बेचा, तो इधर डैश मार देंगे। कितना बेचा भाई मालूम है क्या, 800, इधर 800 लिखेंगे। और रेट कैसे आएगा, रेट के लिए क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4267 डिवाइडेड बाय 1100, ये रेट आया 3.87। तो इधर लिख दिया 3.88, क्योंकि 7 के बाजू में 9 है ना, 88 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई 388 से नहीं करना है, 800 को ये पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको छेड़ना नहीं है,
इसको से डिवाइड किया मैंने तो ये मिला, इसको इससे क्या किया मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट कितना है 3103, क्योंकि 0.2 है, अगर 7 रहता तो 4 होता। अभी क्या करेंगे, 1100 से 800 माल बेचा है ना, तो 1100 में से अगर 800 जाएगा तो इधर कुछ तो बचेगा 300 बचेगा, तो ये अमाउंट से ये अमाउंट क्या जाएगा दोस्त, मतलब इससे ये माइनस होएगा और इससे ये माइनस होएगा है ना, इससे ये माइनस होगा, ऐसा लाइन नहीं मारना, समझाने के लिए बता दिया ना। तो क्या करेंगे 4267 माइनस 3103 तो कितना आएगा 1164, कितना आएगा 1164, सिंपल भाई। अब इसके बाद 15 तारीख के बाद ना भाई 20 आया, 20 को क्या किया खरीदा, इधर लिखेंगे 20, कितना खरीदा 300, 5 के हिसाब से खरीदा तो कितना हो जाएगा दोस्त 1500, तो खरीदा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे 3 और 3 600, इसमें कितना ऐड करेंगे 1500, 300 और 300 ऐड करके 600 आया, अमाउंट को ऐड करेंगे हाँ इतना जो भी आया लिख दिया इधर, ठीक है। अब लास्ट जो तुम्हारा माल बच रहा है इशू किया 23 तारीख को, 23 को बेचा तो कितना बेचा माल में 100 बेचा, तो 100 का रेट है क्या अपने पास, नहीं, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे है ना, तो किससे डिवाइड करेंगे 600 से, 4.44 कितना है दोस्त 4.44, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 4444, तो 600 में कितना गया 100, तो ये लाइन ऐसे मारा, आप नहीं मारना एग्जाम में, इसको इससे माइनस करो कितना आया 500, इसको इससे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 2644, तो ये बचेगा ना भाई। और इसके बाद कुछ ऐसा नहीं बोला, कभी कभी ऐसा बोला रहेगा 31 मार्च को शॉर्ट हुआ, क्या हुआ 10 यूनिट शॉर्ट हुआ, शॉर्ट मतलब कम हुआ तो 10 यूनिट यहाँ डालता, एक्सेस हुआ तो यहाँ डालता, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो फिलहाल छोड़ दो। अब इसके बाद ये फाइनल आंसर है, तो लास्ट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक है ना, कितना स्टॉक है 500 यूनिट, कितना स्टॉक है भाई कितना रुपया 20 20, खत्म, 10 मार्क जमा हो गया, इसका हो सकता है एग्जाम में फीफो और वेटेड दोनों बोले 20 मार्क का, ऐसे फीफो या वेटेड बोले 10 मार्क का, ये 20 मार्क आएगा दोनों, या एक एक पूछा था 10 मार्क का, फर्स्ट ईयर वाले को 20 मार्क आता है, टी वाले को 10 या 20, दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।